स्वाहा ओम बाबा जी का बुलडोजर स्वाहा जी का बुलडोजर स्वाहा जी का बुलडोजर स्वाहा बाबा जी का आतंकी बुलडोजर स्वाहा बाबा जी का आतंकी बुलडोजर स्वाहा जनता विरोधी बुलडोजर स्वाहा देश विरोधी बुलडोजर स्वाहा बाबा जी का बुलडोजर स्वाहा देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। इस तरह की तानाशाही आ गई है कि गरीब पीड़ित गरीब परिवार की महिलाओं को इनकी प्रशासन और पूरा डीएम सहित कानपुर का डीएम वहां पर महिलाओं को एक महिला एक बच्ची को दरवाजे में बंद करके आग लगवा देता है और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के दम पे तानाशाही चल रही है। और ये हिंदुत्व का ढोंग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, अपने आप को भाजपाई सबसे बड़े हिंदुत्व बताते हैं और वहां पर शिव मंदिर तोड़कर एक महीने पहले कड़कती ठंड में उस परिवार को बेघर कर दिया इन लोगों ने। और आज जब इन लोगों ने झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया तो ये तानाशाह सरकार उन पर बुलडोजर चलवाई और उनके परिवार को जला दिया। हमारी मांग है, आज हम लोगों ने बुलडोजर यज्ञ किया, आहुति यज्ञ, जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने यज्ञ में बुलडोजर को जलाया प्रतीकात्मक रूप से। और हम लोग ये मांग करते हैं उस पीड़ित परिवार को एक नौकरी 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और उस पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो भी प्रशासन के लोग हों, बाहरी लोग हों, जो भी लोग हों, दोषी हों, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बड़ा क्रूर शासक देश में आया था जिसका नाम था चंगेज खान, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा आदमी समझता था, वो भगवान समझता था और वो अपनी जनता को हमेशा उसके ऊपर जुल्म करता था। और एक समय आया जब उसको लोगों ने नकार दिया और उसको जो है दुनिया से ख़त्म कर दिया। आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक बाबा आए हैं ऐसे ही, जो क्रूर शासक हैं, जो योगी बाबा हैं, जो आए दिन बुलडोजर चलवाते रहते हैं गरीबों के घर में, देश की जनता के घर में। वो भूल जाते हैं कि हमारे इसी देश की जनता ने उनको आज मुख्यमंत्री की 2-2 बार कुर्सी दिया है। और ये जो कानपुर में ब्राह्मण परिवार के साथ एक घटना हुई है, 2 महिलाओं को आग में जला दिया गया और उनके पूरे घर को तोड़ दिया गया, शिव मंदिर को तोड़ दिया गया। तो ये जो भाजपा सरकार ये जो ढोंग करती है ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, इसको बंद करना चाहिए। और ये बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। आज हम लोगों ने यज्ञ किया, हवन किया और ईश्वर से भी प्रार्थना किया कि योगी जी को सद्बुद्धि दे और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए।